आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मीडिया के साथियों जिनके सहयोग से प्रदेश सरकार की नीतियां, योजनाएं एवं उपलब्धियां जन जन तक पहुंच रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने को प्रदेश को स्वच्छ, समर्थ और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के सभी क्षेत्रों में एवं उल्लेखनीय विकास के ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रदेश उत्कृष्ट एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निवेश के मामलों में भी उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रदेश ने 14वें स्थान से अब देश में दूसरे स्थान की लंबी छलांग लगाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व और बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि 4 वर्षों में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है और जन जन को रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। कोविड-19 के नियंत्रण पर समुचित प्रबंधन करते हुए भी इस आपदा को अवसर में बदल दिया गया है, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को पुनः बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकासोन्मुख, कल्याणकारी, पारदर्शी एवं स्वच्छ सरकार के साथ शासन के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा समाज का प्रत्येक वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान एवं प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी संभव हुआ दिखला दिया। इन पंक्तियों को सार्थक किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इन 4.5 वर्षों की अभूतपूर्व विकास गाथा पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। मुझे आज लेकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी के विकास में एक रुकावट के रूप में रहा था, यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के महाअभियान का शंखनाद हुआ। भ्रष्टाचार और गुंडा राज से त्रस्त जनता, बदहाल अर्थव्यवस्था, उपेक्षित किसान, असुरक्षित माहौल में जब योगी आदित्यनाथ ने बागडोर से तो उनके सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास करना और भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना। इसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में विकास का सूर्योदय कराया। विरासत में मिली चरमराती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त तैयार किया। विशेष अभियान चला, अवैध संपत्ति व सरकारी जमीनों को माफिया एवं अपराधियों से मुक्त कराया। वहीं गरीबों के लिए घर बनाकर पूरे देश में मिसाल कायम की। जैसे ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और निवेश को आमंत्रित करने का माहौल तैयार हो गया। सच्चा निवेश के अनुकूल परिवेश से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा। साथ ही भारत सरकार की 44 परियोजनाओं में यूपी शीर्ष पर है। विकास की श्रृंखला को आगे यूपी सरकार ने प्रदेश की अगले 50 वर्षों
देशों की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। एक के बाद एक विकास कार्यों से प्रदेश की तस्वीर बनी, उत्तर प्रदेश नंबर वन बनाया। प्रदेश में आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ। आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर अग्रसर है। महिलाओं से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर जरूरतमंदों तक सबके जीवन और विकास की धारा से जोड़ा। युवाओं के लिए रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित किए। निष्पक्ष एवं भर्ती प्रक्रिया 4.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी। स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया। एमएसएमई इकाइयों में करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित किए। कोरोना काल में भी कामगारों की स्किल मैपिंग कर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करा एक अनूठा उदाहरण पेश किया। संवेदनशील व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री जी ने जरूरतमंदों के जीवन में विकास और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सभी 30,000 गांवों को हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं पूर्ण हो रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिला सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार मिशन शक्ति अभियान चलाया, जिससे महिलाओं के प्रति अपराधों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। 1,80,00,000 बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उपहार मिला। 40,00,000 माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुई। पात्र वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की पेंशन शुरू कर संवेदनशील सरकार की पहचान बनाई। प्रदेश के गौरव किसानों के लिए भी योगी सरकार ने सभी वायदे पूरे किए। कृषक कल्याण योजना के साथ साथ गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया। सिंचाई की रिकॉर्ड परियोजनाओं को पूरा कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की। किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर उनकी आय दोगुनी करने के मिशन किसान कल्याण की शुरुआत की। हुनर आधारित उद्योगों के लिए ODOP योजना से यूपी के हुनर को पूरे विश्व में पहचान मिली और रोजगार के अवसर बढ़े। जन जन के जीवन में रोशनी लाने के लिए यूपी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के बिजली का संकट दूर किया। जितना ख्याल उन्होंने मानव जन जीवन का रखा उतना ही ख्याल प्रकृति का भी रखा, इसलिए पर्यावरण को भी प्राथमिकता दी। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडरशिप बाय एग्जांपल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को प्रेरित कर टीम भावना को प्रोत्साहित किया। घर घर जांच सुविधा, सबका मुफ्त इलाज, आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालों में बेड तथा वेंटिलेटर की संख्या वृद्धि के साथ सबको राशन, मुफ्त राशन देकर एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया। आइसोलेशन में उन्होंने घर से ही पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की और एक ऐसा टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का 3D मॉडल तैयार करवाया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहना हुई। दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगा। आजादी के बाद से ही परित्यक्त जीवन जी रहे वनटांगिया समुदाय के हजारों लोगों को भी पहली बार विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। योगी सरकार ने बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश की छवि बदलने और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ की स्वच्छता व सफल प्रबंधन को पूरे विश्व ने सराहा। भव्य दीपोत्सव, देव दीपावली व रंगोत्सव के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम नगरी अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उत्तर प्रदेश वासी होने पर गौरवान्वित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। सोची मानता काम धंधा, छा गई योगी सरकार। इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अग्रसर हो रहा है। बदलाव के साथ 4.5 वर्षों की इस विकास यात्रा पर आधारित एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तिका का विमोचन करें। ईमानदार सोच के साथ दमदार कामों के
आधार पर एक लंबी 4.5 वर्षों की विकास यात्रा, उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है, इसी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन, उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास यात्रा 4.5 वर्षों की उपलब्धियों, कीर्तिमानों और सफलताओं से सजी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इस लक्ष्य को साधने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम अनुरोध करेंगे अपने उद्बोधन से हमें। मित्रों, मैं अपने दोनों वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा और अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश के 24 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्ग, जिनके नेतृत्व में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। 4.5 वर्ष का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दो उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के देश में दुनिया में भी बदला है। हर एक क्षेत्र में अगर प्राप्त हुई, इसमें टीम वर्क, कार और संगठन का एक समन्वित प्रयास, टीम और जनता आर्दन के बीच महत्वपूर्ण सुखा कार्य होने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्व मार्गदर्शन मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और पूरी केंद्रीय कैबिनेट के साथ साथ संगठन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा, यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के सागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा,
क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। लखनऊ में आप सभी पत्रकार मित्रगण जानते होंगे कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया, यही तो सुशासन है। जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति एक विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना, और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की है। आपने उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखा होगा कि कोई आपदा आती थी, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे अगर कहीं पर कोई आपदा आती है सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा, देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति
त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वहां इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब 2017 में हम लोगों ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था तब हमने परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की थी और राज्य सरकार ने उसे एक इवेंट बनाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी, उनके प्रशिक्षण, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराना और व्यवस्थित रूप से उन्हें अपने आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना विश्वकर्मा श्रम सम्मान इस दिशा में बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्ति की। खासतौर पर नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला, 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हरेक पोस्ट बिकता था, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे, लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता हर एक स्तर पर, उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी, लोगों का विकास के प्रति रुझान बढ़ाया, टीम वर्क से कार्य का परिणाम सामने आया,
और देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, 42 लाख गरीबों को एक एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराए गए, 1,38,00,000 गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1,56,00,000 से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए, 6,00,00,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5,00,000 रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया, 3,00,00,000 प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2,00,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई, 2,53,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, 15,00,00,000 प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे चरण दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा 15,00,00,000 लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। यह तब संभव हो पाया जब हमने तकनीक को अपनाया, प्रशासनिक स्थिरता दी, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी प्रकार के लेन देन को दूर करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उसका परिणाम है कि हरेक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक की स्थिति प्रदेश के अंदर 2005-06 में भी आपने देखा होगा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई भी प्रचलित है। लगातार हम लोग जब 2017 में आए थे, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार के आने के पहले प्रदेश के अंदर भूख से मौतें हो रही थी। मुझे दिसंबर 2016 में और जनवरी 17 में ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था क्योंकि वहां पर भूख से मौतें हो रही थी। और जब मैंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2017 में जब हमारी सरकार मार्च में आई थी तो मैंने सबसे पहले जांच का आदेश दिया कि भाई सभी राशन कार्डों का सत्यापन हो जाए। 40,00,000 ऐसे गरीब मिले थे जिन लोगों के पास अपने राशन कार्ड नहीं थे लेकिन राशन कार्ड बनाए गए थे, उस राशन कार्ड पर कोई दूसरा ही व्यक्ति राशन लेता था। हमारी सरकार ने आकर के सबसे पहले उन गरीबों को राशन कार्ड दिए, फेक राशन कार्ड समाप्त किए और फिर 80,000 राशन कोटे की दुकान को ई पॉस मशीन के साथ जोड़ा गया। आज हर गरीब अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि देश के किसी भी कोने में होगा, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक वहां पर राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमें एक लाभ और हुआ। गरीब को तो राशन मिल रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ यह भी हुआ कि 1,200 करोड़ रुपए की हर वर्ष बचत उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है। इसी प्रकार से खरीदारी का एक किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया, याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है, और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई, किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया, और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थीं, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6,00,000 मीट्रिक टन होता है, यह भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66,00,000 मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ। गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2020-21-22 का आप देखेंगे, हम कोरोना कालखंड में किसान से प्रोक्यूर कर रहे हैं 56,00,000 मीट्रिक टन, पिछली सरकार के समय यह 6,00,000 मीट्रिक टन भी नहीं हो पाया था। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यानी किसान के कल्याण का मामला हो, युवाओं के कल्याण का मामला हो, प्रदेश के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किए जाने का मामला हो, सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वे हर संभव कदम उठाए हैं जो प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी थी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश ने अपने यहां वे तमाम योजनाएं प्रारंभ की जो प्रदेश की पहचान बन सकती थी। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन और हर प्रकार के पर्यटन को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन चुका है। प्रयागराज कुंभ 2019 में हमारी सरकार को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुंभ के हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ का आयोजन सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पे प्रस्तुत हो सके, सबके सामने अद्भुत पहल थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो, काशी की धरती पर किसी भी यानी राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानी के बाहर इस प्रकार का आयोजन एक अद्भुत घटना थी। सफलतम आयोजन यह भी सौभाग्य में प्राप्त हुआ था। प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ जिसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया और प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी उनको समाप्त किया। और उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो,
यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान और हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को यह सांप्रदायिकता के दंश को से किससे देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। जहां हमने आजादी के दीवानों के उन सभी अमर शहीदों की स्मृति में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन को हम पूरी भव्यता के साथ हर एक शहीद स्थल पर देश की आजादी के लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति भी सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण, उनके परिवार की सहायता या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था हो, ये प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। तो साथ साथ शताब्दियों से दशकों से लंबित उन आस्था के केंद्रों को भी सम्मान देने का कार्य हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या मैं राम मंदिर से राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, ब्रज क्षेत्र के विकास की जो एक नई तस्वीर सामने आ रही है, नेमिस सुखतीर्थ, बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास की योजना, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों के आस्था के केंद्रों के विकास की एक व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। यह आस्था का सम्मान है, और आस्था के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल उत्तर प्रदेश वासियों का बल्कि देश और दुनिया के उन सभी लोगों को जो उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल के रूप में एक सम्मान का भाव रखते हैं, उन सबको भी सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। बहन और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है। आप याद करिए 2017 में, मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है मिशन शक्ति के थर्ड फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया, एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में सर्विस 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज थर्ड फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की, घर से जुड़ी, घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े हुए मामले हो, महिला पीठ पुलिस अधिकारी वहीं पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। और साथ साथ इसका भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ देना हो,
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, इन सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई भी वहीं पर, निराश्रित महिला पेंशन की योजना हो, जहां पर कोई वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए तो उस पेंशन की योजना से जोड़ने के लिए भी वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर महिला पुलिस बीट अधिकारी और हमारी फील्ड की जो टीम है वह वहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और एक सुरक्षा का एक नया वातावरण वहां पर पैदा करने का प्रयास हुआ है। ये प्रदेश के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो देश और दुनिया के सामने हमारी एक नई छवि को लेकर के वहां पर पहुंचा है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ करके कार्य किया है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उसके परिणाम भी सामने मिले हैं। हमें याद है 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती थी। हम लोगों को संकोच होता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम छठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए, चाहे वह इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जोड़ने का, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई, तहसील मुख्यालयों को ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, प्रदेश के वे क्षेत्र जो अपने को उपेक्षित महसूस करते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास की कार्रवाई, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कार्रवाई, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, प्रदेश के अंदर 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 सिटी में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा प्रयास है कि नवंबर दिसंबर तक हम कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। कल हम लोगों ने पहली बोगी बड़ोदरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन को उपलब्ध करवाया है। यह दिखाता है कि किस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी कितना बेहतर हुआ है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में या तो चालू हैं या बन रहे हैं, 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर हर गांव सड़क योजना के साथ जुड़ सके, हम लोगों ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है और हर एक गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो, बुनियादी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो, हर एक स्तर पर प्राप्त हो, भारत सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लिया जाए, इस दिशा में बेहतर प्रयास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता प्रदेश को प्राप्त हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्सर से अपने यहां लागू करते हुए, कोरोना महामारी का सामना करते हुए अपने यहां उसे अक्सर से लागू करने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। 2022 से जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे लागू होगी तो उसको उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में उसको लीड करता हुआ, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 7 नए विश्वविद्यालय वर्तमान में गठित कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश के अलग अलग कोनों में स्थापित हो रहे हैं। 50 नए महाविद्यालय और पहली बार प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है।
ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यहां पे पाठ्यक्रम भी चलेंगे। अक्सर हम देखते थे कि हमारी जो जांचें होती थी वो ठहर जाती थी एक समय के बाद, जब वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाता था एक लंबा समय लगता था, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे। आज हर कमिश्नरी मुख्यालय पर ए लेवल या बी लेवल की लैब्स स्थापित, फॉरेंसिक लैब्स स्थापित की जा रही हैं। हर रेंज स्तर पर, हर कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखने को मिल रही है, और इसने प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो एक मॉडल दिया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को देखती है। और मुझे लगता है कोरोना कालखंड के दौरान जो कुछ देश और दुनिया के सामने आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उत्तर प्रदेश की हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हर हेल्थ वर्कर्स, हर कोरोना वॉरियर्स इसके साथ जब जुड़ा, जनता जनार्दन का इसके साथ जब सहयोग मिला, आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी, दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्युदर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग नियंत्रण की नियंत्रण एकदम प्रभावी नियंत्रण है, सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और कोरोना प्रबंधन कैसे होना है, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं कभी बंद ही नहीं किए, कोविड केयर सेंटर बना करके या कोविड हेल्प डेस्क बना करके हम लोगों ने वहां पर सावधानी और सतर्कता बरती। लेकिन हरेक व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा का कवच आज कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती। प्रदेश के अंदर जब तक 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, इसमें ज्यादातर महिलाएं। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में ज्यादातर महिलाएं आई हैं। और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनों को सीधे सीधे स्वरोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ने में भी प्रदेश की सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। यानी हरेक तबके के लिए इस दौरान प्रदेश सरकार ने हरेक स्तर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसलिए मित्रों, जब हमारी सरकार आज 4.5 वर्ष का अपना एक कार्यकाल पूरा कर रही है, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इस दौरान प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देकर के प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। और मित्रों, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। हमारे दो महत्वपूर्ण माध्यम थे, एक संगठन और दूसरा मीडिया, जो आम जनमानस के बीच में सेतु का काम कर सकती थी और कर रही थी, चाहे वह सामान्य दिन हो या कोरोना कालखंड के भी दिन, जब कोरोना प्रचंड स्तर पर प्रदेश के अंदर पीक पर था उस दौरान भी, और एक एक योजना को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्य आप लोगों ने किया, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को और आप सभी को
उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जा भाई, मैं जाना तो उस हिसाब से लगाना चाहिए ना। लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया है। एक एक लोक कम मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष के मित्र पढ़ने की आदत अगर होती हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बैठ करके हमारे जो प्रशिक्षण शिविर लगते थे उसमें आकर कुछ सीख लेते, कुछ सद्बुद्धि आती, प्रदेश के बारे में एक सोच पैदा होती। एक एक वायदों को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था सरकार ने उसे पूरा किया है। एक 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पा करके फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। धन्यवाद जी। आपका मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी का, जो मंचास्थीन हमारे अतिथि हैं सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। माननीय आपके नेतृत्व में इसी प्रकार प्रदेश नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़े, इसके लिए सभी लोग कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत सभी का। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। नई पहचान के साथ नया उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में अपना सही